आजच्या बदलत्या युगात अन्न सुरक्षा हे प्रमुख आव्हानांपैकी एक आहे, त्यामुळे वर्ल्ड फूड इंडियाचं आयोजन अधिक प्रासंगिक आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. आज नवी दिल्लीतल्या प्रगती मैदानावर आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 या प्रदर्शनाचं उद्घाटन केल्यावर ते बोलत होते. गेल्या 9 वर्षात अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात 50,000 कोटींहून अधिक थेट परदेशी गुंतवणूक झाली असून गुंतवणूकदार स्नेही धोरण अन्न प्रक्रिया क्षेत्राला नव्या उंचीवर नेईल असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. गेल्या 9 वर्षात कृषी निर्यातीत प्रक्रियायुक्त अन्न पदार्थांचा वाटा 13-23% गेला आहे असं ते म्हणाले. हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस फूड का हिस्सा 13-23% हो गया है. 13-23 9 सालों में प्रोसेस फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है. आज हम 50,000 मिलियन डॉलर से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो. भारताची शाश्वत खाद्य संस्कृती मागील 1000 वर्षात अधिक विकसित झाली आहे. आपल्या पूर्वजांनी खाद्य परंपरेला आयुर्वेदाची जोड दिली आहे असं पंतप्रधान म्हणाले. वाढत्या शहरीकरणामुळे डबाबंद खाद्यपदार्थांची मागणी वाढली असून स्टार्टअप आणि छोट्या उद्योगांसाठी अनेक संधी खुल्या झाल्या आहेत असं पंतप्रधान म्हणाले. आज भारत जगाला महिला प्रणित विकासाचा मार्ग दाखवत आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वेगानं वाढत आहे असं पंतप्रधान म्हणाले. लीडिंग साइंटिस्ट महिला ही रही है. हम जो फूड वैरायटी देखते हैं, जो फूड डाइवर्सिटी देखते हैं, ये भारतीय महिलाओं के स्किल और नॉलेज का नतीजा है. भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है. इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को कुटीर उद्योगों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है. आज इस कार्यक्रम में भी 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को करोड़ों रुपयों की सीड कैपिटल दी गई और मैंने टेक्नोलॉजी के लिए अभी यहां से उसको ऑलरेडी उनके खाते में जमा कर दिया. भारताच्या पुढाकारामुळे जगभरात भरड धान्याप्रति जागरूकता वाढली आहे असंही पंतप्रधानांनी नमूद केलं. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर जोर दिया है. इस विषय में फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सभी पार्टनर्स की बहुत बड़ी भूमिका है. हमें इसके लिए खुद को तैयार करना होगा. हम देश में 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को, गर्ल्स और प्रेग्नेंट वीमेन को पोषक आहार उपलब्ध कराते हैं. अब समय है कि हम खाद्य वितरण कार्यक्रम को डाइवर्सिफाइड फूड बास्केट की दिशा में ले जाएं. इसी तरह हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को और कम करना होगा. पैकेजिंग में और बेहतर टेक्नोलॉजी लाने के लिए काम करना होगा. सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए फूड वेस्टेज को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है. हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनसे वेस्टेज रुके. टेक्नोलॉजी भी इसमें एक अहम रोल अदा कर सकती है. यावेळी पंतप्रधानांनी या प्रदर्शनाला भेट देऊन तिथली माहिती जाणून घेतली तसंच बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी 1 लाखांहून अधिक सदस्यांना बीज भांडवल सहाय्य वितरित केलं.
पंतप्रधानांनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करत अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना दिली असं केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांनी यावेळी सांगितलं. पंतप्रधानांनी समाजातील शेवटच्या घटकाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण केल्याचं त्यांनी नमूद केलं. विविध क्षेत्रात उत्पादन निर्मितीत वाढ झाल्यामुळे भविष्यात भारत मोठं केंद्र बनेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मध्यम वर्ग के हमारे भाई बहनों को पूरी तरीके से मुफ्त में केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए अनाज से देश के कोने कोने तक आज खाद्य की समस्या समाप्त हो गई है. रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, इन सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना भेदभाव देश के हर परिवार तक पहुंचाया. इससे आज भारत के नौजवानों में बड़ी आशा और अपेक्षा जागृत हुई है और उससे आज वो देश के निर्माण में और आर्थिक प्रगति में पूरी तरीके से तत्पर है, अपना योगदान दे रहे हैं. यात प्रमुख खाद्य प्रक्रिया कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसंच 80 हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. नेदरलँड हा भागीदार देश असून जपान आणि व्हिएतनाम हे फोकस देश आहेत. जागतिक हितधारकांसमोर क्षमता प्रदर्शित करण्याचा प्रयत्न या निमित्तानं केला जाईल. सरकारच्या सहकार्यात्मक दृष्टिकोनाचं अनोखं उदाहरण आहे. 11 केंद्रीय मंत्रालयं आणि त्यांच्याशी संबंधित स्वायत्त संस्था यामध्ये सहभागी झाल्या आहेत. तसंच खरेदीदार विक्रेता बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.